30 मिनट से 45 मिनट तक ही देना है हमें डेली न्यूज़पेपर को, उससे ज्यादा नहीं। भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार न्यूज़पेपर लेके बैठे तो 1, 2, 3, 4 घंटे बस न्यूज़पेपर में ही लगे रहे। हे गाइस, स्वागत है आप सभी का द अल्फा बैंक का चैनल में और मेरा नाम है चिराग चोपड़ा। सो गाइस, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको इंग्लिश में बहुत ज्यादा डर लगता है, और जैसे ही बात आती है इंग्लिश न्यूज़पेपर की तो वो हमारा अंदर का डर वो डबल ट्रिपल तक हो जाता है। अब अगर आप लोग मेरी तरह के स्टूडेंट हो तो आपको फिर ऑब्वियसली और ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, बिकॉज मैं भी हमेशा ही न्यूज़पेपर से दूर भागता आया हूँ। भाई न्यूज़पेपर पढ़ना ना मुझे हमेशा खुद से एक वो पहाड़ हिलाने जितना बड़ा काम लगता था, और मुझे खुद भी कभी न्यूज़पेपर पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता था। बट अब इस एग्जाम का फॉर्मेट इस तरीके का है, भाई बैंक और इंश्योरेंस एग्जामिनेशन में इंग्लिश कुछ इस तरीके की पूछी जाती है कि भाई मैं आपको यहाँ पे बोल दूंगी कुछ याद करके चले जाओ या कुछ रट के चले जाओ तो आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो ऐसा तो होने ही नहीं वाला। भाई यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि मैं आपको बोल दूँ कुछ ग्रामर के रूल याद कर लो तो आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे, या वोकैब के कुछ वर्ड्स याद कर लो तो आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। भाई ऐसा होना ही नहीं है। भाई बैंक और इंश्योरेंस एग्जामिनेशन निकालने का बस एकमात्र तरीका है कि आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छे होने चाहिए। मतलब अगर आप इंग्लिश पढ़ के उसका मतलब समझ पाते हो ना तो भाई आपके पेपर निकलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अब इस इंग्लिश न्यूज़पेपर के पर्टिकुलरली रिगार्डिंग ना बहुत ज्यादा डाउट्स होते हैं बच्चों के, तो आज वो सारे क्वेश्चंस का मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोगों को आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो में जरूर मिल जाएगा। बट उसी के साथ मेरी आप लोगों को एक एडवाइस है कि सारे बच्चे इस वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक देखेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे सारे क्वेश्चन का आंसर हमें इस वीडियो में ही मिल जाए। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो ये वीडियो का कमेंट सेक्शन हमेशा आप लोगों के लिए ओपन रहता है। मैं खुद अवेलेबल रहता हूँ 24 घंटे आप लोगों के लिए, तो आप नीचे कॉमेंट कर सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई करने के लिए। चलो भाई सबसे पहले क्वेश्चन से चालू करते हैं। भाई सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या आता है कि भाई क्या हमें इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना भी चाहिए या नहीं। गाइस देखो, इसके ना दो आंसर है। भाई अगर आप पुराने बच्चे हो जो इंग्लिश में थोड़ा कंफर्टेबल है, जिसको अब इंग्लिश से उतना ज्यादा डर नहीं लगता है, तो भाई यस आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर में टाइम इन्वेस्ट करना चालू कर देना चाहिए। बट वहीं अगेन अगर आप दूसरी कैटेगरी से बिलोंग करते हो जो अभी इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है या जिसको आज भी इंग्लिश में थोड़ा डर लगता रहता है, तो भाई मैं आपको बोलूंगा अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप लोग बिल्कुल भी न्यूज़पेपर को टच भी मत करो। भाई आप लोग नॉर्मल बुक से अपनी इंग्लिश पढ़नी चालू करो, और सबसे पहले ये कोशिश करो कि आपके अंदर से इंग्लिश को लेके डर थोड़ा कम हो जाए। और फिर जैसे जैसे आपको लगने लगता है कि भाई हाँ अब मैं थोड़ा थोड़ा कंफर्टेबल होने लग गया हूँ या लग गई हूँ इंग्लिश को लेके, फिर उसके बाद फाइनली आप इंग्लिश न्यूज़पेपर को पिक करोगे। फाइन, तो आंसर मिल गया। भाई हमें न्यूज़पेपर तभी उठाना है जब आप इंग्लिश में थोड़े कंफर्टेबल हो जाए या हमारा डर कम हो जाए, बट पहले दिन से कोई भी बच्चा इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ना चालू नहीं करेगा। फाइन, अब भाई दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं कि सर हमें न्यूज़पेपर कितनी देर पढ़ना चाहिए। गाइस मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं, जब मैंने खुद प्रिपरेशन चालू करी थी ना, जब अपने स्टार्टिंग के दिनों में मैं खुद न्यूज़पेपर लेके आता था बाजार से, तब मुझे ऐसा लगा कि भाई शायद पूरा न्यूज़पेपर पढ़ना होता होगा, तो भाई मैं पहले 2-3 दिन पूरा न्यूज़पेपर पढ़ता था। अब पूरा न्यूज़पेपर पढ़ने का तो आप मतलब समझो एटलीस्ट आपको 2-3 घंटे लगने वाले हैं एक दिन का न्यूज़पेपर कंप्लीट करने में। अब भाई वो 2-3 दिन पूरा न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद मुझे ये चीज समझ आई कि भाई उस न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद मेरा दिमाग इतना ज्यादा ब्लॉक हो जाता था कि भाई मैं उसके बाद पूरा दिन कुछ भी नहीं कर पाता था। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सर्च करा, थोड़ा सोचा, फिर मुझे ये चीज समझ आई कि भाई पूरा न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी होता ही नहीं है, और उल्टा न्यूज़पेपर में बहुत कम पोर्शन ऐसा होता है जो हमें पढ़ना होता है और मैक्सिमम पोर्शन ऐसा होता है जो हमें अवॉइड करना होता है, इग्नोर करना होता है या छोड़ना होता है। देखो इंपॉर्टेंट चीजों की बात बताता हूं जो आप लोगों को न्यूज़पेपर में पढ़नी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सबसे पहले आती है एक नए बच्चे के लिए, वो होता है फ्रंट पेज। जो न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज होता है वो हमें हमेशा हर दिन पढ़ना ही पढ़ना होता है। इसके साथ आपको आपके पसंद के 1-2 टॉपिक्स को पिक करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे टेक्नोलॉजी वाला एक पेज आता है हिंदू न्यूज़पेपर में, मुझे वो पढ़ना बहुत पसंद था, और जो इंटरनेशनल जो वर्ल्ड न्यूज आती है वो पढ़ने मुझे बहुत मजा आता था। तो मैं क्या करता था अपने स्टार्टिंग के दिनों में, सबसे पहले मैं पढ़ता था फ्रंट पेज, और उसके बाद टेक्नोलॉजी वाला पेज, और उसके बाद वर्ल्ड न्यूज इंटरनेशनल न्यूज वाला पेज। बस ये 3 चीजें पढ़ता था और फिर न्यूज़पेपर बंद कर देता था। और ये सब पढ़ने में मुझे कितनी देर लगती थी, भाई मैं टोटल डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ने में 1/2 घंटे से 1.25 घंटा देता था। दैट्स इट, मतलब 30 मिनट से 45 मिनट तक ही देना है हमें डेली न्यूज़पेपर को, उससे ज्यादा नहीं। भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार न्यूज़पेपर लेके बैठे तो 1, 2, 3, 4 घंटे बस न्यूज़पेपर में ही लगे रहे, बिकॉज उसका काम ये है ही नहीं। उसका काम है हमें इंग्लिश में और ज्यादा कंफर्टेबल फील करवाना, हमारी इंग्लिश को और ज्यादा अच्छा करना, ना कि हमारी प्रिपरेशन को इतना ज्यादा खराब करना कि भाई पूरे दिन बस न्यूज़पेपर पढ़ते रह जाए और फिर क्वांट और रीजनिंग हमारी पूरी छूट जाए। हमें ये नहीं करना, 1/2 घंटे से 1.25 घंटा बस न्यूज़पेपर पढ़ना है, उसके आगे कुछ नहीं पढ़ना। फाइन,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि क्या सर वो जो सुबह सुबह डेली एडिटोरियल वाली क्लासेस आती हैं जो यूट्यूब पे फ्री में पढ़ाई जाती हैं, क्या हमें वो डेली बेसिस पे अटेंड करनी चाहिए? भाई देखो, मुझे आप लोगों का तो नहीं पता, बट जब मैं खुद प्रिपरेशन कर रहा था और जब मैंने खुद ये क्लासेस अटेंड करके देखा तो मुझे समझ आया कि ये क्लासेस वर्थ इट नहीं होती हैं, बिल्कुल नहीं होती हैं। अब इसका मेरा रीजन ये है कि भाई जब मैं खुद से एडिटोरियल पढ़ता हूँ तो मुझे चीजें ज्यादा समझ आती हैं, मेरी गलतियां भी ज्यादा होती हैं, मेरी कमियां भी ज्यादा होती हैं, बट फिर जब मेरी गलतियां और कमियां निकलती हैं तब मैं उनके ऊपर काम करने की कोशिश करता हूँ और तब उनको सुधारने की कोशिश करता हूँ। बट वहीं अगर कोई मेरे लिए YouTube पे आके मेरा एडिटोरियल पढ़ेगा तो ना मुझे मेरी कभी कोई कमी पता चलेगी, ना मुझे मेरी कोई गलती पता चलेगी और ना मैं कभी इम्प्रूव कर पाऊंगा। तो मेरा आपको क्या एडवाइस है कि भाई जो वहां पे आप एडिटोरियल क्लास देख के 6 महीने में या 1 साल में जो इम्प्रूवमेंट लेके आओगे ना, वो अगर आप खुद से एडिटोरियल पढ़ के 1 या 2 हफ्ते भी पढ़ के देखोगे ना, वो सेम लेवल का इम्प्रूवमेंट आपको 1 से 2 हफ्ते में देखने को मिल जाएगा। तो भाई मेरा तो ये एडवाइस है कि वो एडिटोरियल क्लास बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम होते हैं, बिल्कुल वर्थ इट नहीं होते हैं। तो भाई अगर आपके फिर भी मन करता है तो आप देख सकते हैं, बट इट इज नॉट एडवाइजेबल फ्रॉम माय साइड। अब भाई न्यूज़पेपर के रिगार्डिंग ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजों की बात कर लेते हैं। देखो, न्यूज़पेपर पढ़ने से पहले सबसे पहले ना हमारा गोल डिसाइडेड होना चाहिए कि भाई मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना क्यों है। देखो, न्यूज़पेपर पढ़ने के ना सबसे बड़े 3 रीजन होते हैं। सबसे पहला होता है कि मुझे मेरी वोकैबुलरी अच्छी करनी है, दूसरा होता है कि मुझे मेरी जीके मतलब जनरल अवेयरनेस को अच्छा करना है, और तीसरा होता है कि भाई मुझे अपनी रीडिंग हैबिट्स को अच्छा करना है। ठीक है, और अभी तीनों गोल्स के हिसाब से ना आपके न्यूज़पेपर पढ़ने का तरीका बिल्कुल अलग अलग होता रहेगा। चलो, अब अगर आपको अपनी रीडिंग हैबिट को अच्छा करना है तो आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए? भाई सबसे पहले आपको फ्रंट पेज पढ़ना चाहिए, आपका फ्रंट पेज पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ना चाहिए। इसके साथ आपको एडिटोरियल्स पढ़ने चाहिए, इसके साथ एडिटोरियल के नीचे एक और आता है लेटर टू द एडिटर, वो पढ़ना चाहिए। और इसके साथ जो 2 इंटरेस्ट के पेजेस, जैसे मैं खुद टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल न्यूज पढ़ता था, आपको ये चीजें पढ़नी चाहिए। भाई अगर रीडिंग अच्छी करनी है तो ये चीजें पढ़नी चाहिए। अब अगर आपको जीके मतलब अपना जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट अच्छा करना है तो आपको न्यूज़पेपर में बस 2 चीजों को फॉलो करना है। एक होती है नेशनल न्यूज, पूरी कंट्री वाइड की न्यूज, और दूसरी इंटरनेशनल न्यूज। बस ये 2 चीजें पढ़ोगे तो आपका जीके वाला पोर्शन अच्छा हो जाएगा, फाइन। और भाई तीसरा पार्ट होता है कि अगर हमें वोकैबुलरी को अपना स्ट्रॉन्ग करना है तो भाई उसके लिए तो फिर आप कुछ भी पढ़ सकते हो। भाई न्यूज़पेपर में कोई भी पेज खोल लो और किसी को भी पढ़ना चालू कर दो, भाई हर लाइन में आपको नया नया वोकैबुलरी का वर्ड मिलता रहेगा, उस वर्ड को आप लोग याद करो। देखो, वोकैबुलरी के लिए मैं कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता देता हूँ, इस चीज को चाहो तो आप लोग नोट डाउन कर लो। देखो, वोकैबुलरी याद करने का ना एक बहुत इजी तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, वो तरीका शायद आप लोगों को कहीं और बताएगा कोई नहीं, तो उसको याद रखना। देखो, जब भी आपको एक नया वर्ड मिलता है सबसे पहले तो वर्ड को आप लोग नोट डाउन करो, भाई एक कॉपी लो, उस कॉपी में उस वर्ड को लिखो, लाइन बनाओ, उसके बाद उस वर्ड का मीनिंग लिखो। अब जनरली क्या होता है, मैक्सिमम बच्चे बस इतना करते हैं, भाई वर्ड लिखते हैं और उस वर्ड का मीनिंग लिखते हैं। बट आपको इसके बाद एक और चीज करनी है, भाई वर्ड, उस वर्ड का मीनिंग, और उसके बाद उस वर्ड को इंक्लूड करते हुए हमें एक सेंटेंस भी लिखना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको एक मुश्किल वर्ड लेता हूँ यहाँ पे मेटिकुलस, तो मेटिकुलस आपको क्या लिखना है, यहाँ पे वर्ड लिखना है मेटिकुलस, फिर यहाँ पे उसका मीनिंग लिखना है, भाई मेटिकुलस मतलब एक इंसान जो अच्छे से मेहनत करता हो, और फिर उसका एक सेंटेंस लिखना है, भाई ही इज अ वेरी मेटिकुलस टीचर, या ही इज अ वेरी मेटिकुलस पर्सन, भाई वो बहुत ज्यादा मेहनती टीचर है या वो बहुत ज्यादा मेहनती इंसान है। इस तरीके से हमें अपनी वोकैबुलरी प्रिपेयर करनी है। और वोकैबुलरी के लिए आपको मैं 2 एप्लीकेशंस के नाम बता देता हूँ, ये 2 एप्लीकेशंस आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हो। पहला है आपका वोकैब 24, और दूसरा है आपका VOLT, ये ऐप दो आप डाउनलोड कर लो, आपकी वोकैबुलरी की प्रिपरेशन और ज्यादा अच्छी होती रहेगी, फाइन। तो मतलब तीनों चीजें समझ आ गई, भाई रीडिंग के लिए हमें कैसे पढ़ना है, वोकैबुलरी के लिए कैसे पढ़ना है, और जीके के लिए कैसे पढ़ना है, फाइन। अब भाई दूसरे पॉइंट की बात करते हैं कि भाई आपको न्यूज़पेपर पढ़ने से पहले आपको अपना इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। मतलब देखो क्या होता है, जनरली मैं आपको बताऊं कि जब तक आपको न्यूज़पेपर पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आएगा ना, आप न्यूज़पेपर पढ़ने को ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करोगे। जैसे मैं खुद करता था, जैसे मैंने आपको बताया कि न्यूज़पेपर पढ़ना मुझे एक पहाड़ तोड़ने जितना मुश्किल लगता था, बट जैसे ही फिर मैंने क्या करा, पूरा न्यूज़पेपर अवॉइड करना चालू करा और बस टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल न्यूज पढ़ता था, तो मुझे मजा आने लगा। और फिर मजा आने लगा तो फिर मैं डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर उठाने लगा और खुद से पढ़ने लगा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहले आपको अपना इंटरेस्ट डेवलप करना है न्यूज़पेपर पढ़ने में। ये कैसे डेवलप होगा, भाई जब आप अपने पर्टिकुलर पसंद की चीजों को उठाएंगे। अब भाई चाहे आपको स्पोर्ट न्यूज पसंद है तो आप वो पढ़ सकते हो, भाई आपको एंटरटेनमेंट वाली न्यूज पसंद है तो आप वो पढ़ सकते हो, मतलब कुछ भी पढ़ो बट डेली बेसिस पे पढ़ना चालू करो। देखो भाई 100 बात की एक बात ये है कि भाई अगर इंटरेस्ट आ गया तो डेली बेसिस पे ज्यादा से ज्यादा न्यूज़पेपर खुद पढ़ना चालू करते रहोगे और बार बार पढ़ते रहोगे। बट अगर इंटरेस्ट नहीं आया ना, तो ये न्यूज़पेपर पढ़ना भी आपको वो कॉलेज के या स्कूल के असाइनमेंट जैसा लगने लगेगा कि भाई मन तो बिल्कुल नहीं है बट अब टीचर ने बोला है या वो कोचिंग वाले सर ने बोल दिया तो चलो पढ़ लेते हैं, या मेरा बिल्कुल मन तो है नहीं।
तो वो स्कूल या कॉलेज के असाइनमेंट या प्रोजेक्ट जैसी फीलिंग आएगी, जिसको करने का कभी मन नहीं करता बट जबरदस्ती करना पड़ता है। तो यहाँ ऐसा नहीं करना है, हमें अपने मन के अंदर से लेके आना है, और इसके लिए हमें सबसे पहले अपने इंटरेस्ट की चीजों से ही न्यूज़पेपर को पढ़ना चालू करना है। फाइन। और थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस जो मैं यहाँ पे सारे बच्चों को देना चाहता हूँ वो ये, गाइज बी कंसिस्टेंट। आपको डेली बेसिस पे कोशिश करनी है कि आप न्यूज़पेपर को टाइम जरूर दो। देखो मैं बहुत ज्यादा आप लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ 2 घंटे पढ़ो 3 घंटे पढ़ो, मैं आपको बोल रहा हूँ आपको 30 से लेके 45 मिनट्स तक देना है, दैट्स इट। मैं डेली सुबह सुबह उठ के 30-45 मिनट दो न्यूज़पेपर को, उससे ज्यादा मत दो, बट वो 30 मिनट आपको डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर को देने ही देने चाहिए। और अगर आप ये चीज ज्यादा दिनों के लिए नहीं बट अगर 21 दिनों के लिए भी करते हो जस्ट फॉर 21 डेज, देन आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोग वापस आओगे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताने के लिए कि सर अब न्यूज़पेपर पढ़ना उतना मुश्किल नहीं लगता, या आप सर न्यूज़पेपर से हमें उतना ज्यादा डर नहीं लगता जितना आज से 21 दिन पहले लगता था। गाइस 21 दिन के लिए अगर आपने मेरे 3 पॉइंट्स को फॉलो करा देन आई एम प्रीटी श्योर आप लोग बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट लेके आओगे। फाइन गाइस, मेरी एक लास्ट एडवाइस है आप लोगों के लिए कि आप लोग अपने एंड्रॉइड फोन्स को भी ना यूज करना चालू करो। अब गाइस फॉर एग्जांपल मैं एक इंग्लिश का सेंटेंस पढ़ रहा हूँ और उस सेंटेंस में एक वर्ड आ गया लार्ज। अब भाई मुझे लार्ज करना मतलब नहीं पता, तो मैं क्या करूंगा, मैं आप लोगों को एडवाइस कर रहा हूँ सेम इस तरीके से करने की कोशिश करो। अपना भाई फोन लो, उसको बोलो ओके गूगल, ओके गूगल मुझे लार्ज का मीनिंग बताइए, भाई टेल मी द मीनिंग ऑफ लार्ज, तो गूगल आपको उसका मीनिंग बताएगा। इसके बाद क्या करोगे भाई, इसके बाद बोलो भाई यूज लार्ज इन अ वर्ड, ओके गूगल यूज लार्ज इन अ सेंटेंस, तो उसके बाद क्या होगा, वो एक लार्ज यूज करते हुए सेंटेंस आपको देगा, दैट ही एट अ लार्ज बाइट ऑफ पिज्जा आउट ऑफ माय पार्ट। तो मतलब ऐसी ये चीजों को भी आप यूज कर सकते हैं, अपने गूगल या एंड्रॉइड फोन को भी आप लोग यूज कर सकते हैं, और ओके गूगल बोलेंगे तो आपका वो वॉइस असिस्टेंट चालू हो जाएगा। सो गाइस ये मेरे पूरे पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग हिंदू न्यूज़पेपर, कि आपको किस तरीके से न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और रह गया, तो गाइस हमेशा आप लोग ये कोशिश करा करो कि जब भी आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हो या रिगार्डिंग कुछ भी पढ़ते हो, तो हमेशा जब भी चीजों को पढ़ते हो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप उसमें ऑथर का इमोशन और ऑथर की फीलिंग समझ सको। और तीसरी चीज, आपको पैराफ्रेजिंग करनी जरूर आनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल चलो मैं आज ये वाला अगर एडिटोरियल पढ़ता हूँ बिलेटेड पेपर, तो इसमें मुझे क्या करना है, देखो पढ़ के थोड़ा देख लेते हैं। अंदर बोल रहा है विदाउट कर्बिंग इन्फ्लेशन आरबीआई विल नॉट बी एबल टू प्रमोट सस्टेनेबल ग्रोथ। भाई इसका मतलब है कि अगर आरबीआई इन्फ्लेशन को कर्ब नहीं करता, कर्ब का मतलब कंट्रोल में नहीं करता या कम नहीं करता, तो आरबीआई सस्टेनेबल ग्रोथ को प्रमोट नहीं कर पाएगा, आरबीआई सस्टेनेबल ग्रोथ को ग्रो नहीं कर पाएगा। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी हैज रादर बिलेटेडली एक्नॉलेज दैट इट्स प्राइमरी रेमिट इज आफ्टर ऑल टू एंश्योर प्राइस स्टेबिलिटी। कि भाई आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है ना, उसका प्राइम टारगेट क्या है, कि भाई वो प्राइस की स्टेबिलिटी लेके आए। एड्रेसिंग द मीडिया ऑन फ्राइडे आफ्टर अनाउंसिंग द एमपीसी मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जो ऊपर बताया, फर्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू ऑफ द न्यू फिस्कल ईयर आरबीआई गवर्नर शांतिकांत दास वॉज इन स्टेटिंग दैट इन द सीक्वेंस ऑफ प्रायोरिटीज वी हैव नाउ पुट इन्फ्लेशन बिफोर ग्रोथ। मतलब यहाँ पे आरबीआई गवर्नर क्या बोल रहे हैं कि हमने अपनी प्रायोरिटीज को चेंज कर दिया है और अब हमने इन्फ्लेशन को ग्रोथ से पहले देखना चालू कर दिया है। मतलब उनका पहला टारगेट क्या है, भाई पहला टारगेट ये है कि अब इन्फ्लेशन को कम करा जाए, फिर चाहे ग्रोथ हो या ना हो। आगे बढ़ते हैं, मोर देन 3 ईयर्स आफ्टर इट प्रायोरिटाइज ग्रोथ ओवर प्राइस स्टेबिलिटी। भाई 3 साल हो चुके जहां पे ये लोग ग्रोथ को प्रायोरिटाइज कर चुके थे ओवर प्राइस स्टेबिलिटी। मतलब पिछले 3 सालों से ये लोग क्या कर रहे हैं, कोविड आया सब कुछ हुआ, इनकी क्या तब मंशा थी या क्या एम था कि भाई इंडिया ग्रो करता रहे लगातार, फिर चाहे प्राइसेस चीजों के बढ़ते रहे और इन्फ्लेशन लगातार बढ़ता रहे। ठीक है, अब हमने इतना पढ़ा तो अब हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले आपको कुछ वर्ड्स को नोट करना है, जैसे कर्ब हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी हो गई, इन तीनों चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो इन्फ्लेशन और मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, ये आपके दोनों बैंकिंग अवेयरनेस में बहुत ज्यादा मदद करेंगे। इसके साथ जो आपको वर्ड्स मिले वो कैप के, वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ आपको किस तरीके से तैयारी उनकी भी करनी है। बट यहाँ पे जो सबसे मेन पॉइंट है वो ये है कि भाई जो भी आप एडिटोरियल पढ़ते हैं उसके बाद आपको उस एडिटोरियल की समरी भी लिखनी है, मतलब उस एडिटोरियल का आपको पैराफ्रेज करके लिखना है। भाई अभी तक हमने जितना पढ़ा हमें क्या समझ आया कि एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो पिछले 3 सालों से ग्रोथ को प्रायोरिटी दे रही थी, बट अब इन्फ्लेशन इतना ज्यादा हो चुका है कि भाई ऑथर ये बोल रहा है कि भाई आरबीआई को ग्रोथ की तरफ से अपनी प्रायोरिटी को हटाते हुए इन्फ्लेशन कंट्रोल करने की सबसे पहले जरूरत है। तो यहाँ पे ऑथर का अभी इमोशन क्या है कि भाई आरबीआई गलत डायरेक्शन में जा रहा है, ऑथर की फीलिंग क्या है कि भाई आरबीआई वो काम नहीं कर रहा है जो उसको करना चाहिए। फाइन, तो यहाँ पे पैराफ्रेज करते हुए आपको लिखनी है चीजें, जब आप पूरा पढ़ लो तो इन चीजों को आपको खुद भी नोट डाउन करना है। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आपको क्या करनी है,
जो भी आप नया वोकैबुलरी का वर्ड अलग से कॉपी में लिखते हो वो हर वर्ड को आपको उस समरी में यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल भाई, आपको अगर इस कर्बिंग का मतलब नहीं आता है तो आपको कोशिश करनी है कि जब आप समरी लिख रहे हो आप इस वर्ड को यूज करो। भाई अगर आपको सस्टेनेबल ग्रोथ का मतलब नहीं पता तो जब आप इसकी समरी लिख रहे हो तो आपको सस्टेनेबल ग्रोथ यूज करना है। भाई अगर आपको इन्फ्लेशन का मतलब नहीं पता तो इन्फ्लेशन भी आपको यूज करना है। आपको पिविट का मतलब नहीं पता तो इसका मतलब देखो, मतलब याद करो और फिर उसको यूज करो। ये सारी चीजें आपको करनी है इस पूरा एडिटोरियल के पढ़ने के बाद जब इसकी समरी लिखते हो उस टाइम। फाइन गाइस, सो आई थिंक आप लोगों के एडिटोरियल के रिगार्डिंग सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और मोटा मोटा इंग्लिश न्यूज़पेपर के रिगार्डिंग सारे डाउट्स क्लियर जरूर हो गए होंगे। गाइस अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया देन डू लाइक एंड शेयर द क्लास। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें इस चैनल को। और इसी के साथ अगर आपका कोई भी डाउट ऐसा है जो अभी भी रह गया है इंग्लिश न्यूज़पेपर के रिगार्डिंग, तो इस वीडियो के नीचे आप लोग कॉमेंट जरूर करें और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपके हर डाउट का जल्दी से जल्दी रिप्लाई कर सकूं। सो गाइस, सी यू देन, टेक केयर, कीप प्रिपेयरिंग एंड बाय।